शहर के लोढ़ा मार्केट के बाहर एक दुकान को खाली करवाने को लेकर एक पुलिसकर्मी की शहर पर उसके परिवार के लोगों एवं रिश्तेदारों ने जमकर उत्पात मचाया एवं दुकानदार परिवार के साथ जमकर मारपीट की। घटना को लेकर क्षेत्र में माहौल गर्मा गया। विरोध में दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी। दुकानें बंद होने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची सिटी थाना पुलिस ने मारपीट कर रहे 6 लोगों को पकड़कर थाने ले गए तथा शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार लोढ़ा मार्केट के समीप एक मकान जिसके नीचे दुकान है, लंबे समय से दुकान को खाली करवाने का प्रयास किया जा रहा था लेकिन दुकान खाली नहीं हो रही है, जिसके चलते मकान मालिक लोहिया ने इस मकान को पुलिसकर्मी रणवीर चौधरी को बेचैन कर दिया। इसके बाद से पुलिसकर्मी चौधरी दुकानदार पर दुकान खाली करने का दबाव बना रहा था। दुकान खाली नहीं करने की स्थिति में चौधरी की शहर पर शनिवार की मध्य रात दुकान पर लगे नाम पारसमल सोहनलाल को पुतवा कर मिटा दिया। पुलिसकर्मी पर वर्दी का रौब इस कदर हावी रहा कि रात में ही उसने दुकान के शटर को बैल्ट करवा दिया और दुकानदार के ताले तोड़कर नए ताले लगा दिए गए। दुकान के अंदर एवं बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिया गया। दुकान में अंदर के सामान को भी अस्त व्यस्त कर दिया गया। मजे की बात यह भी है कि उक्त इलाके में रात्रि गश्त पर करीब 10 कदम की दूरी पर पुलिस जवान तैनात रहते हैं लेकिन किसी को कोई भनक नहीं लगी। सुबह जब दुकान पर काम करने वाला नौकर दुकान पहुंचा तो उसे शटर पर ताले बदले हुए नजर आए। नौकर की सूचना के बाद दुकानदार शांतिलाल जैन परिवार सहित दुकान पहुंचा था, ताले हटाने का प्रयास किया तो पुलिसकर्मी का परिवार एकाएक मारपीट पर उतर आया। देखते ही देखते माहौल गर्मा गया और क्षेत्र के व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। सूचना के बाद सिटी थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा मैटी मुख्य मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कर पुलिसकर्मी पक्ष के लोगों को थाने ले गए। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पुलिसकर्मी चौधरी के पक्ष के लोगों ने खुलेआम उत्पात मचाया और धमकियां दी जिसके कारण क्षेत्र का माहौल खराब हो गया। पुलिस ने फिलहाल चौधरी पक्ष के 6 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित दुकानदार परिवार को आई चोटों का मेडिकल करवाया गया है। कल सुबह की घटना है, तेजस चौक पे शांतिलाल जी जैन जिनका 70 साल से एक दुकान पे कब्जा है, उस कब्जे को छुड़ाने के लिए कुछ लोगों ने वहाँ जाके लड़े झगड़ा किया। उस बात की सूचना पे मैं तुरंत मौके पे पहुँचा। 4 पुरुष और 2 महिलाओं को मौके पे 151 में ला के गिरफ्तार किया। उन्होंने बाद में जो रिपोर्ट पेश की उस पर मुकदमा दर्ज किया जाकर अग्रिम अनुसंधान जारी।